बच्चों, आज हम 10th क्लास का मेटल नॉन मेटल यानी धातु और अधातु लेसन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? ठीक है ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। देखो भाई, अब आपने ये पढ़ा कि धातुओं को प्राप्त करने के लिए यानी कि मेनली फिर धातुएं कहाँ पाई जाती हैं, पृथ्वी भर में पड़े का, तो खनिज क्या है यानी मिनरल्स क्या हैं। ठीक है ना, तो मिनरल मिनरल्स की बात करता है। तो देखिए, मिनरल्स होते क्या हैं, तो मिनरल्स क्या हैं अब आपको पता होना चाहिए, यानी खनिज क्या हैं, यानी कि पृथ्वी की भूपटी पर, पृथ्वी की भूपटी पर, भूपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यौगिकों या तत्वों को खनिज कहा जाता है। ठीक है, खनिज कहा जाता है। बात चल पड़ी कि है क्या खनिज, क्या है यानी पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी की भूपटी में, कहते हैं प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यौगिक या तत्वों को खनिज कहा जाता है, यानी कि मिनरल्स क्या है। ठीक है, तो याद रखोगे, दोज एलिमेंट और कंपाउंड कंपाउंड आर फाउंड फाउंड नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट। क्रस्ट तो उसको क्या बोलते हैं, मिनरल्स। क्या बोलते हैं, मिनरल्स। कहते हैं दो एलिमेंट या कंपाउंड आर फाउंड नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी में भूपटी में जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थों को, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थों या तत्वों को क्या कहा जाता है, मिनरल्स यानी खनिज कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद टॉपिक है अयस्क, यानी कि ओर की बात करता है। ओर क्या होते हैं, अयस्क क्या होते हैं। ठीक है, तो ये लिखा है यानी कि खनिजों से, खनिजों में कहता है कि खनिजों से धातुओं को वे उन खनिजों को वे खनिज जिनसे धातुओं को वे खनिज जिनसे धातुओं को प्राप्त करना आसान वह सस्ता हो उसे अयस्क कहते हैं, यानी उन खनिजों को अयस्क कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए बात चल पड़ी, अयस्क कहा जाता है। देखिए और क्या है, दोज मिनरल्स यानी उन खनिजों को कहा जाता है जिनमें से दोज मिनरल्स बाई विच या इन विच द मेटल इज एक्सट्रैक्टेड, मेटल इज एक्सट्रैक्टेड इजी एंड चिप। कहता है कि जो वो मिनरल्स जिसमें से, कहता है कि जिसमें से मेटल का एक्सट्रैक्शन जो है इजी और है चिप हो, उसको क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओर। ठीक है, गैंग क्या है, गैंगे क्या है, तो देखिए गैंग जो मिनरल्स के अंदर या धातुओं के साथ जो अशुद्धियाँ पाई जाती हैं ना, अशुद्धियाँ पाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, गैंग। यानी कि द इम्प्योरिटीज आर फाउंड इन द, कहता है क्या, मिनरल्स। तो कहते हैं कि
दांतों के साथ पाई जाने वाली अशुद्धियों को गैंग कहा जाता है। इट इज द इम्प्योरिटीज आर फाउंड विद मेटल इन मिनरल्स। जो मैं कहता धातुओं के साथ, ठीक है, खनिजों में धातुओं के साथ पाई जाने वाली अशुद्धियों को गैंग कहा जाता है, यानी द इम्प्योरिटीज आर फाउंड विद ए मेटल इन मिनरल्स। ठीक है, तो मेटल जो हैं वो तीन कैटेगरी में बांटी गई हैं। धातुएं जो हैं, धातुओं की कितनी श्रेणियां हैं, धातुओं को तीन श्रेणियों में बांटा गया है भाई, धातुओं को तीन वर्गों में रखा गया है, तीन श्रेणियों में, ठीक है, वर्गों में बांटा गया है या रखा गया है। तो कौन कौन से वर्ग हैं, यानी कि मेटल्स कहते हैं मेटल आर कैटेगराइज और कैटेगराइज इन थ्री, या मेटल्स आर थ्री कैटेगरीज, ठीक है, थ्री कैटेगरी, तीन वर्गों में है भाई, थ्री कैटेगरी में। तो कौन कौन सी हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। देखो भाई, पहली है, क्योंकि तीनों का अलग अलग अध्ययन करना पड़ेगा अपने, एक तो क्या है, देखिए तीन कैटेगरी हैं, तीनों अलग अलग हैं, कैसे हैं वो देखिए। पहली कैटेगरी है उच्च क्रियाशील, यानी हाईली रिएक्टिव मेटल्स। एक है मध्यम क्रियाशील धातुएं, तत्व भी कहा जा सकता है, यानी कि मीडियम, ठीक है ना, मीडियम रिएक्टिव मेटल, देखिए, और कम क्रियाशील, कम क्रियाशील धातुएं, यानी लो रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव कहा जा सकता है, लो रिएक्टिव मेटल। देखिए कैसे, अब तीनों के एग्जाम्पल याद करने हैं आपने अच्छे से। आयली रिएक्टिव मेटल कौन कौन सी हैं, आयली रिएक्टिव मेटल जो कहता है कि रिएक्टिविटी सीरीज आपने पीछे ने पढ़ी थी, उसमें सबसे ऊपर टॉप पे पाई जाने वाली मेटल को क्या कहा जाता है, आयली रिएक्टिव मेटल। जैसे एग्जाम्पल था पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और क्या था, एल्यूमिनियम। तो ये क्या थे, आयली रिएक्टिव मेटल, क्या थे, आयली रिएक्टिव मेटल। आयली रिएक्टिव मेटल किसी भी फॉर्म में पाई जा सकते हैं, किसी भी रूप में पाई जा सकते हैं, यानी कि ये ऑक्साइड के रूप में पाई जा सकती हैं, किसके रूप में पाई जाती हैं, ऑक्साइड के रूप में, सल्फाइड के रूप में, ठीक है, सल्फाइड के रूप में, कार्बोनेट के रूप में, किसके रूप में, कार्बोनेट के रूप में, ठीक है, हाइड्रोक्साइड के रूप में, तो यानी कि किसी की फॉर्म में पाई जा सकती हैं, ठीक है। दीज आर फाउंड कौन, हाईली रिएक्टिव मेटल आर फाउंड कहते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड के रूप में पाई जा सकती हैं, सल्फाइड के रूप में पाई जा सकती हैं, ठीक है, या फिर क्या है, कार्बोनेट के रूप में पाई जा सकते हैं, ठीक है, कार्बोनेट, या फिर क्या है, हाइड्रोक्साइड के रूप में पाई जा सकती हैं। तो इस टाइप की मेटल आर कहते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल, जो मीडियम कैटेगरी की हैं, जो लो रिएक्ट मीडियम कैटेगरी की मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं, वो जैसे जिंक है, आयरन है, ठीक है, लेड है, ये मध्यम क्रियाशील की धातु, ये मेनली किसके रूप में पाई जाती हैं वो याद रखना है, ऑक्साइड के रूप में, ठीक है, सल्फाइड के रूप में, या फिर क्या है कि कार्बोनेट के रूप में, ठीक है। तो ये क्या है कि ऑक्साइड, सल्फाइड या
कार्बोनेट। दीज मेटल यानी लो मीडियम रिएक्टिव मेटल आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ क्या है, ऑक्साइड या सल्फाइड और क्या है कि कार्बोनेट के रूप में ही पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें तो और भी हैं जैसे क्लोराइड है, ठीक है, क्लोराइड के रूप में भी पाई जाती हैं, ठीक है, या फिर सल्फेट के रूप में भी पाई जा सकती हैं। तो ये तो बहुत सारी हैं, ठीक है, नहीं इसमें कम लिख पाए। उसके बाद लेस रिएक्टिव मेटल का एग्जाम्पल यानी जो कम क्रियाशील धातुएं हैं उनकी बात करता है। तो एग्जाम्पल है आपके पास गोल्ड यानी के सोना, कहता है कि एजी यानी के सिल्वर यानी के चांदी, और क्या है कॉपर और क्या है प्लेटिनम। ठीक है, प्लेटिनम तो गोल्ड सिल्वर कॉपर और है प्लेटिनम। ठीक है, तो ये धातुएं कम क्रियाशील हैं और ये किसके रूप में पाई जाती हैं। वैसे तो ये मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, जनरली तो स्वतंत्र अवस्था में, मुक्त अवस्था में यानी फ्री स्टेट में प्रेजेंट होती हैं भाई। दीज आर फाउंड इन ए फ्री स्टेट, लेकिन फ्री स्टेट में मेनली गोल्ड ही पाया जाता है। ठीक है, फ्री स्टेट में मेनली गोल्ड ही पाया जाता है, लेकिन ये कि जो पाई जाती है ना ज़्यादातर कौन सी, या तो सिल्वर या फिर क्या है कॉपर। ठीक है, दो ही किस रूप में पाई जाती हैं, या तो सल्फाइड के रूप में या फिर क्या है ऑक्साइड के रूप में। किसके रूप में, सल्फाइड या ऑक्साइड के रूप में, ठीक है नहीं। तो अब आपको पता चल गया कि भाई दो रूप हैं इसके, तो बस दो ही रूप में पाई जाती है, ऑक्साइड या सल्फाइड। ठीक है, ये तीन रूप में है, ये ज्यादा रूप में पाई जाती हैं। यानी कि रूप का मतलब क्या है कि कंबाइंड विद अदर मेटल या नॉन मेटल। ठीक है, लेकिन नॉन मेटल के साथ ही हैं ज्यादातर। थैंक यू।